हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन स्टाइल मसाला मैक्रोनी की रेसिपी। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार एंड क्विक रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये मसाला मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी उबालने रखा है, इसके अंदर डाल देंगे नमक और एक चम्मच ऑयल, और साथ ही डाल देंगे एक कप मैक्रोनी और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अच्छे से मीन्स 80% बॉईल करना है, 20% वो सॉस के अंदर ही बॉईल हो जाएगी, और बीच बीच में इसे ऐसे स्टर करते रहेंगे जिससे ये सब साइड से इवनली कुक हो पाए। अब जब तक ये बॉईल हो रही है तब तक इसका सॉस रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। अब हम इंडियन स्टाइल मसाला मैक्रोनी बना रहे हैं तो ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गार्लिक। अब गार्लिक को हल्का सा सौते कर लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए, और अब इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। साथ ही डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक जिससे प्याज जल्दी से कुक हो जाएंगे, और अब प्याज को सॉफ्ट होने तक इसे कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें मसाले डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच शाही पनीर मसाला और चुटकी भर हल्दी। यहाँ पे शाही पनीर मसाला की जगह पे किचन किंग मसाला या फिर सिंपल जीरा पाउडर और धनिया पाउडर के साथ भी इसे बना सकते हो, बट इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप एक बार इस मसाले के साथ भी जरूर ट्राई कीजिए। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम। यहाँ पे मैं रेड कैप्सिकम का यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहो तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो। और अब साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर को पीस के इसकी प्यूरी बना ली थी। अब इसे मिक्स करके इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूंगी जिससे ये जल्दी से कुक हो जाए। ये देखिए, इसमें अब ऑयल साइड से सेपरेट होने लगा है, दैट मीन्स ये अच्छे से कुक हो गया है। तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम की जगह पे दही भी फैट के यूज कर सकते हो, उससे भी काफी अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुझे ये काफी थिक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हल्का सा पतला कर लूंगी, और अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे अराउंड 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैक्रोनी भी बॉईल हो गई है, तो हम इसे छन्नी से छान लेंगे। मैंने इसे 80% ही कुक किया है, आप इसे ओवर कुक बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो सॉस में डाल के जब मिक्स करेंगे ना तब ये टूट सकती है। ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे जिससे ये आपस में चिपकेगी नहीं। और यहाँ पे अब हमारा सॉस भी रेडी है, तो हम मैक्रोनी को इसमें डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गार्निशिंग के लिए ऊपर से चीज डाल के इसे सर्व कर देंगे। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।